हेलो फ्रेंड्स, टेक बियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप यूको बैंक के जो नए तरीके के एटीएम लग गए हैं ओकाई के, उसमें किस तरह से आप कैश जमा कर सकते हो वो बिना एटीएम कार्ड के। देखिए, मैं एटीएम कार्ड नहीं लाया, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कार्डलेस ट्रांजेक्शन पे। अब मैं यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे अगर विड्रॉल करना है तो भी आप यू कैश से, लेकिन उसके लिए आपको ऐप से करना पड़ेगा। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मेरे को डिपॉजिट करना है तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद ये आपका अकाउंट नंबर मांग रहा है, आप यूँ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर एंटर कर दूंगा और आप भी देख सकते हैं, आप चाहे तो आप भी मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं, नो इशू इन दैट। ये मेरा अकाउंट नंबर है, अगर कोई भी चाहे तो मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है, नो इशू इन दैट। बस यहाँ पर ये करा, यहाँ आपके अकाउंट डिटेल्स आ गई और हम मैक्सिमम 20,000 तक ही करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेक्ट पे टच कर देंगे या जो भी है आप कर सकते हो वो कर देंगे। अब यहाँ पर ये इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ पर आप अपने नोट जो है रख दीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर नोट रखने के बाद में ये अपने आप बंद होगा, ये मशीन यू गिनेगी और आपको वहाँ पर बताएगी। और आप सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं 100, 500, 2,000 यही नोट डाल सकते हैं, 20, 50, 10 के नहीं डाल सकते। ये जो रिजेक्टेड करेंसी है, एक नोट जो है ये जमा नहीं कर रही, तो इसने वापस दे दिया है। अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पे 19,500 रुपए जो है जमा हो चुके हैं। अब मैं इसमें एक बार और ट्राई करूंगा करने का, एड मोर कैश पे। अभी अगर नोट लेता है ठीक है, नहीं तो मुझे 19,500 जमा कराने पड़ेंगे। या इसने इस बार ही नोट एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा और बस हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी कमेंट और सुझाव तो आप नीचे कमेंट करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आई तो। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।